टीवी सीरियल के सबसे अनुपम कृति यानी रामानंद सागर कृत रामायण सीरियल को जो भी देखता है वह मंत्रमुग्ध हो जाता है। इस सीरियल के जितने भी कलाकार हैं वो अपने पात्र के स्वरूप को इस प्रकार से धारण किए हैं कि कोई भी यह देखकर भेद नहीं कर सकता कि ये सभी एक सीरियल के पात्र हैं। इस सीरियल को देखकर यही एहसास होता है कि यह कोई सीरियल नहीं बल्कि जीवंत चित्रण है। रामायण सीरियल को जीवंत बनाने वाले कलाकारों की पूरी देश में लोग इस प्रकार से सम्मान करते हैं मानो वही वास्तविक भगवान हैं। लेकिन इस सीरियल के कई कलाकार अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका किरदार सदा सदा के लिए अमर है। आइए जानते हैं कि रामायण में किरदार निभाने वाले उन कलाकारों के बारे में जो अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। मंथरा का किरदार निभाने वाली ललिता पवार, इस कलाकार को आपने रामायण के अलावा भी कई अन्य सीरियल एवं फिल्मों में देखे होंगे। मंथरा का किरदार निभाने वाली ललिता पवार का निधन साल 1998 में हो गया था, वह अब इस दुनिया में नहीं है। मेघनाथ का किरदार निभाने वाले विजय अरोड़ा, रामायण में मेघनाथ को तो सब और उन्हें बहुत ही अधिक गुस्सा आता था। आपको बता दें कि इनका नाम विजय अरोड़ा था और इनका निधन साल 2007 में हो गया था। माता कौशल्या का किरदार निभाने वाली जयश्री गडकर, रामायण में भगवान श्री राम की माता का किरदार निभाने वाली जयश्री गडकर साल 2008 में इस दुनिया को छोड़कर चली गई। हनुमान जी का किरदार निभाने वाले दारा सिंह, भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी को कौन भूल सकता है। हनुमान जी का किरदार निभाने वाले और कोई नहीं बल्कि दारा सिंह थे, जो अपनी पहलवानी के कारण दुनिया भर में मशहूर थे। दुखद बात तो यह है कि वो आज हमारे बीच नहीं है। उनका निधन साल 2012 में हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। भरत जी का किरदार निभाने वाले संजय जोग, आपको भगवान श्री राम के सबसे प्रिय भाई यानी भरत का किरदार आप सबको बेहद पसंद आया होगा। इस किरदार को निभाने वाले संजय जोग की मृत्यु लीवर फेल होने के कारण से हो गया था। महज 40 वर्ष की आयु में ही परलोक गमन करने वाले संजय, जो व्यक्तिगत जीवन में भी अत्यंत ही सरल व्यक्तित्व के धनी थे, रामायण सीरियल के कलाकारों में से वे सबसे कम आयु में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हमारे अन्य वीडियो में देखिए रामायण के पात्रों से जुड़ी कई अनुपम कहानियां। आपको इन पांचों कलाकारों में कौन सबसे बेहतर लगते हैं कृपया कमेंट करें। धन्यवाद।